हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का सूर्योदय क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपका जो चैप्टर चल रहा है रियल नंबर्स, उसका एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा रहेगा लासा एंड मासा, मींस एलसीएम एंड एससीएफ। इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट था जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। हमारा कंसेप्ट था प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है, मींस अभाज्य गुणनखंड जो हम कर रहे थे, अभाज्य गुणनखंड। इस कंसेप्ट को हम आपका यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, समझने की कोशिश क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था प्राइम नंबर्स वे होते हैं जिनमें आपका क्या होता है, एक और स्वयं से डिवाइड होता है। ठीक है, देखिए अब हमको करना क्या है। जैसे मेरे पास में मैंने क्या किया था, मेरे पास में मान लीजिए एक नंबर है, सपोज दैट 32। अब मुझे क्या करना है, 32 नंबर के मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अपने पुराने वाले मेथड से इसको कट करने की कोशिश करते हैं, वही जो हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लासेस में। 2 से आपका अगेन ये डिवाइड हो जाएगा और ये आपका, जब तक ये 1 नहीं होता तब तक आप इसे काटते जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे वो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट आपको, क्लियर होगा। चलिए ठीक है, अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं एलसीएम एंड एससीएफ की तरफ। ठीक है, ओके। हाँ, तो सबसे पहले मैं लेके चलूंगा आपका एलसीएम के बारे में। एलसीएम को बोलते हैं आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, यह है आपका लघुत्तम समापवर्त्य, मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, कॉमन मल्टीपल की जब भी बात आएगी इसका मतलब क्या होगा, पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, एक वर्ड है इसमें आपका कॉमन। कॉमन की जहां भी बात होती है वहां पे हमेशा आप याद रखें, कॉमन जो होता है आपका 2 and more than 2 के बीच में होता है, more than 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब भी आप किसी के बीच से कॉमन निकालेंगे वहां पे आपकी जो संख्या होनी चाहिए या तो 2 या 2 से अधिक। अब देखिए, मैं आपके इस सिलेबस के हिसाब से चलूंगा, यहाँ पे आपका 2 नंबर्स के लिए आपका एलसीएम एंड एससीएफ को कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो अब देखिए एलसीएम और एससीएफ में क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मेरे पास में 2 नंबर है ए एंड बी। ठीक है, अब मेरे पास में ए एंड बी, इसको मैंने फैक्टराइज किया, इसी तरीके से मैं क्या करूंगा आपका, इसको भी फैक्टराइज करूंगा। क्लियर है, इनको फैक्टराइज करने के बाद में मेरे पास में एक ऐसा नंबर मुझे बनाना है, दैट नंबर शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट, सेकेंड शुड बी द मल्टीपल ऑफ बोथ ए एंड बी। क्लियर, इसका मतलब यह है कि ये जो मेरा नंबर आएगा इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो किस तरीके से होना चाहिए, उसमें आपका ए से भी फुली डिवाइड होना चाहिए और बी से भी होना चाहिए, बट द कंडीशन इज नंबर शुड बी लिस्ट, मतलब आपका जो नंबर है वो बहुत ही सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, सबसे छोटा। देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज दैट आपके पास में क्या है, 2 नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर है आपका 4, एक नंबर है आपका 6। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल ढूंढना है भाई। ठीक है, अब मैं जब कॉमन मल्टीपल की बात करूंगा तो आपके पास में जब कॉमन मल्टीपल निकालोगे तो सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो क्या आएगा, 12। 12 के अलावा आपका कौन सा आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, 36 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इस तरीके से आपके कॉमन मल्टीपल यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, आप समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है यहाँ पे। आप देखेंगे ये जो नंबर है 12, इसमें आप डिवाइड कीजिए 4 से, इसका मतलब डिविजिबल है। इसमें आप डिवाइड कीजिए 6 से, डिविजिबल है। क्लियर है, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट नंबर है 24, इसमें भी आपका 4 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है। ये भी आपका 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। ये भी आपका 4 से और 6 से डिविजिबल है। क्लियर, चलिए
अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मैंने आपको कितने मल्टीपल दिखाए हैं, चार दिखाए हैं, इसके आगे भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके चार ही होंगे, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से नोटिस कीजिएगा, एक 12, एक 24, एक 36 और एक 48 है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 12, दैट मीन्स इट इज द कॉमन मल्टीपल एंड इट इज ऑल्सो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब यह है कि ये आपका सबसे छोटा मल्टीपल है जिससे जिसमें क्या हो रहा है आपका चार से भी और छह से दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये मैंने अपने कॉमन सेंस से बताया आपको, मैं मेथड बाय मेथड बताऊंगा कैसे आप इसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो इसके लिए क्या करेंगे हम, आपका सबसे पहले दो नंबर्स लेंगे और उनके करेंगे मेथड आपका प्राइम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं आपको आज एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसमें, आपको क्या है दो नंबर दिए मैंने बता दिया आपको, मान लीजिए सपोज दैट ए और बी दो नंबर दिए हैं, इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, सपोज दैट मेरे पास में टू नंबर्स हैं, टू पॉजिटिव नंबर्स, नंबर्स आर सपोज दैट 36 एंड सेकेंड नंबर इज 48, ओके। अब मुझे करना क्या है 36 का 48 का, दोनों का क्या करूंगा मैं, दोनों का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो देखिए 36 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये आएगा 2 यूनी 4 तीया 12 तीया 36, इसी प्रकार से मैं 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, ठीक है। अब देखिए 48 का क्या हो जाएगा, 2 दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तीया 48, ठीक है, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, इनको पावर्स में लिख दीजिए, 2 की पावर कितना 2, यहाँ पे कितना हो गया 3 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 3 की पावर कितना हो जाएगा 1। अब आप ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, वन मिनट, देखिए यहाँ पे आपको पावर कितनी 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, एलसीएम जब भी आपको नोट करना है तो कैसे लिखेंगे, आपको करना ये है जो भी आपके नंबर्स दिए गए दोनों के दोनों, ठीक है, उन दोनों नंबर्स में जो भी आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए हैं उन प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी हाईएस्ट पावर का फैक्टर है उसको आपको लेना है दोनों में से, ठीक है। तो आप सबसे पहले लेके चलेंगे 2 की बात करेंगे इसकी, तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी 2 की पावर 4, इसका मतलब इन दोनों में से हम कौन सा लेंगे 2 की पावर 4, क्लियर। दूसरा अब आते हैं 3 पे, 3 की पावर यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी 3 की पावर 1, दैट मीन्स यहाँ पर 3 की पावर कितनी लेंगे हम 2, एंड द आंसर विल बी 16 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 144। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए अभी तक आप क्या करते थे इसमें क्लास में, जब आप प्रीवियस क्लास में नोटिस कर रहे होंगे तो आप क्या करते थे, देखिए कैसे करते थे, सबसे पहले इनके जोड़े बनाते थे, जो जो मिल जाते हैं ये मिल गए हैं, देखिए 3 का ये मिल गया है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, जिनके जोड़े बन चुके हैं उन्हें एक एक बार ले रहे थे, जिनके जोड़े बनते हैं उनको एक बार लेते हैं, तो यहाँ पे इसको लेंगे 2, इसका जोड़ा बन गया 2 का और ये 3 का जोड़ा बन गया, जो जोड़े के बाहर बच्चे हैं उनको सबको लिख दो, अब 2 2 और ये 3, ये वाला 3 और ये दोनों 2 2 आपके लिख दिए। अब देखिए फिर से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 दिया 144, तब भी आपका वही आएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, मैंने आपको बता दिया है, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में जो भी प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर है उसको आपको नोट करना है। तो यहाँ पे दोनों का 2 देखेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर 4 थी तो 4 वाला लिया, 3 की हाईएस्ट पावर 2 थी तो उसको लिया, इसका मतलब आपका एलसीएम क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल के तौर पर एक और समझाने की कोशिश करता हूँ, चलिए तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और आपको नोट करने वाली है, सबसे पहले मैं आपको मेथड को क्लियर कर देता हूं, थोड़ा एक बार इसको नोट कर लीजिएगा,
कैसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर फर्स्ट, डू प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। नंबर सेकंड, टेक द फैक्टर्स फ्रॉम बोथ द गिविन प्राइम फैक्टराइजेशन विच हैव सॉरी दोज हैव हाइएस्ट पावर। क्लियर है। नंबर थर्ड पे मल्टीप्लाई देना, मल्टीप्लाई देन एंड द फाइनल आंसर विल कम आउट। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको दोबारा से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, नंबर जो भी दिया होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सेकंड नंबर पे क्या करना है आपको, उन प्राइम फैक्टराइजेशन में से आपको हाईएस्ट पावर वाले जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन वाले नंबर मिल रहे हैं उन दोनों में से आपका हाईएस्ट पावर वाले को नोट करना है, उनको बाद में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और मैं एग्जाम्पल करा देता हूँ आपका, देखिए ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपका एक और एग्जाम्पल देके चलता हूँ। सपोज दैट मेरा नंबर है आपका 15 एंड 24। ठीक है, अगेन आपका वही करना है आप, चलिए इसको हटा देते हैं। 15 एंड 24 को आप कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने क्या किया, 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो आपको पता है 3 इंटू 5 हो जाएगा। वही 24 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट होके हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक, सबसे पहले नंबर से आपका फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे छोटा नंबर कौन सा आपका, 2 है। दैट मीन्स एलसीएम इज इक्वल टू 2 की पावर 3। 2 हो गया आपका दोनों में से ले लिया, 3 को देखेंगे यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है, 3 को एक बार ले लेंगे। 5 की बात आ जाएगी आपका, 5 की भी पावर 1 है, इसका मतलब 5 आपका एक और बार आ गया। ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 2 × 4 × 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 5 और ये हो जाएगा आपका 120। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको हाईएस्ट पावर से नहीं करते हैं, आपको सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले ये देखिए जोड़े किसके बन रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें केवल 3 का ही बन रहा है, इसके अलावा किसी का जोड़ा नहीं बन रहा। इसका मतलब देखिए ये एक तरीका हो गया। दूसरा मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसका जोड़ा बन गया उसको आपको एक बार लिखना है। क्लियर, जिसका जोड़ा नहीं बना बाकी सभी को इसके साथ में मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। देखो इसका भी नहीं बना, इसका भी नहीं, और इसका भी नहीं, और ना इसका, तो 2 × 2 × 5 अब भी आप आंसर निकालेंगे, दैट विल बी ऑल्सो 120। क्लियर, तो एलसीएम का फंडा क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम आपका नेक्स्ट लेके चलते हैं आपका एससीएफ की ओर। ठीक है, मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्त। ठीक है, चलिए SCF को बोलते हैं आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको समझ में आ रहा होगा। हाईएस्ट होना चाहिए पहली चीज, दोनों में कॉमन होना चाहिए और इन्हीं का एक फैक्टर होना चाहिए। देखिए कैसे, इसको बोलते हैं आपका महत्तम समापवर्त, मींस मात्रा। ठीक है, तो इसको देखो समझने की कोशिश करना, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे हम इसे। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर फिर अगेन हम क्या करेंगे, जैसे मैंने क्या किया 15 लिया और एक नंबर लिया 24। ठीक, देखिए 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 एंड 5 आता है।
आप 24 का करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 3 आता है, क्लियर। प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। अब मैंने क्या बोला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहली चीज ढूंढो क्या, कॉमन क्या चीज, फैक्टर। देखिए ध्यान से, इसमें और इसमें दोनों में ये देखो कॉमन क्या है। तो आप ध्यान से देखोगे, इसमें और इसमें आपका जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ओनली 3। इसके अलावा कुछ और कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। दैट मीन्स एस सी एफ इज ओनली 3। चलिए एक और नंबर लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए एक 12 है, एक और है आपका मान लीजिए 18, ठीक। चलिए यहाँ पे इसके फैक्टर करते हैं 2 × 2 × 3 एंड 2 × 3 × 3, क्लियर। अब आप ध्यान से देखिएगा दोबारा से, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका मोर देन वन कॉमन है। दैट मीन्स एस सी एफ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। 6 विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, चलिए ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, एस सी एफ और एल सी एम आपका दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश करूंगा, मैंने आपको इससे पहले एक कंसेप्ट बताया था, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स में आपको क्लियरली मैं बता चुका हूँ, को प्राइम नंबर में भी आपका जो कंसेप्ट था वो कौन सा था, एस सी एफ, और वहां पे एस सी एफ कितना था, ओनली 1, क्लियर। चलिए वो यही चीज थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाली, चलिए इसको हटा देता हूं मैं। अब मैं आपको क्या करता हूं, एस सी एफ और एल सी एम इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है, क्या होता है, एक रिलेशन, उस रिलेशन के ऊपर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए रिलेशन क्या होता है, तो यहां पे आप डाल दीजिए रिलेशन बिटवीन एस सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 2 नंबर्स। दो संख्याओं के लासा और मासा में क्या संबंध होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या कहता है आपका, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, रिलेशन क्या है, एस सी एफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाई एल सी एम ऑफ ए एंड बी शुड बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। देखिए समझने की कोशिश करना इसको। अब ये क्या कहता है आपसे कि अगर आपको 2 नंबर दिए गए ए और बी, उसका क्या किया मैंने, फाइंड आउट किया एससीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर मैं आपका एलसीएम फाइंड आउट करूंगा। रिलेशन क्या कहता है, एससीएफ का और एलसीएम का मैं अगर दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो वो जो मल्टीपल होगा वो उन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा होगा वो दोनों के दोनों बराबर होंगे। चलिए मैं इसको आपका प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप बहुत ही बेसिकली ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए एग्जांपल के तौर पर वही पुराना एग्जांपल ले लेते हैं 15 और 24 का। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, 15 का 3 5 था और इसका 2 × 2 × 2 × 3 था। आपको पता है एस सी एफ कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना, 3 है। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 × 5 दैट इज 8 × 24 = 120, क्लियर। अब मैं इसमें अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना। देखिए एस सी एफ क्या है आपका, एस सी एफ इज यहाँ पे देखो अप्लाई करते हैं, यहाँ पे एस सी एफ इज 3, क्लियर। एलसीएम कितना है, 120। इधर मैं लिख दीजिए नंबर्स क्या थे आपके, एक 15 था, एक कितना था 24। आप क्या करें, इसका दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 12 36 360 हो गया,
इधर कीजिए 15 चौका 60,